हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन स्कूलिंग। आई एम प्रिया मेहता और आज जो टॉपिक हम करने वाले हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है और साथ ही साथ नॉलेजेबल भी है। बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं देश, राज्य और ज़िलों में, यानी राज्य पूछें तो वो ज़िले बोल देते हैं, ज़िले पूछें तो वो राज्य बोल देते हैं। बहुत कन्फ्यूजिंग हो जाता है कभी कभी, तो आज हम इन्हीं टॉपिक्स को क्लियर करने वाले हैं। आज की वीडियो में हम हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ और हमारी स्टेट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। लेकिन इससे पहले कि हम इन चीज़ों के बारे में जानें, सबसे पहले ये बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके लिए जानना कि हमारे किसी भी मैप में 4 डायरेक्शंस यानी 4 दिशाएं होती हैं, ये तो आपको पता ही है। सबसे ऊपर नॉर्थ यानी कि उत्तर, सबसे नीचे साउथ यानी कि दक्षिण, जहाँ से सूर्य उदय होता है ये तो आपको पता ही है, यस, ईस्ट यानी कि पूर्व, और वेस्ट जहाँ पर सूरज डूबता है, वेस्ट यानी कि पश्चिम। ये तो हुई हमारी 4 दिशाएं। अब हमारे नेबरिंग कंट्रीज यानी हमारे भारत देश के, हमारे प्यारे से भारत देश के पड़ोसी कौन कौन हैं? जैसे आपके पड़ोस में आपके नेबर्स रहते हैं ना, वैसे हमारे पूरे देश में कौन कौन से कंट्रीज हैं जो कि हमारे नेबरिंग कंट्रीज, हमारे पड़ोसी देश हैं। सबसे पहले हम सबसे ऊपर से देखना शुरू करेंगे, नॉर्थ से। तो नॉर्थ और वेस्ट के बीच में देखें अगर, तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान, ये 2 हमारी नेबरिंग कंट्रीज़ हैं। अफ़गानिस्तान के साथ इंडिया की बहुत ही थोड़ी सी बाउंड्री लगती है, लेकिन फिर भी हम उसे नेबरिंग कंट्रीज़ में काउंट करेंगे। उसके बाद अगर हम नॉर्थ की तरफ देखें तो चाइना, नेपाल और भूटान, ये 3 कंट्रीज़ हमारे इंडिया के नॉर्दर्न साइड में यानी उत्तर दिशा में हैं। अब आ जाइए ईस्ट की तरफ यानी पूर्व, जहाँ से सूरज उदय होता है। जी हाँ, ईस्ट की तरफ हमारी कौन सी कंट्रीज़ देख पा रहे हैं आप? एक है म्यांमार, जिसका पुराना नाम बर्मा होता था, साथ ही बांग्लादेश, बांग्लादेश जो कि हम आगे पढ़ेंगे वेस्ट बंगाल के साथ है। तो ये 2 कंट्रीज़ हैं जो हमारे ईस्टर्न साइड पे यानी पूर्व की दिशा में हैं। उसके अलावा जब आप सबसे नीचे देखें तो इंडिया की जो वाटर बाउंड्री है ना, जहाँ पर चारों तरफ पानी ही है, वो उसके साथ कौन सा देश लगता है? श्रीलंका। और अगर हम इंडिया के और नीचे चले जाएं तो मालदीव्स भी है, लेकिन फ़िलहाल हम अभी इस मैप की बात करें तो सबसे नीचे श्रीलंका। तो ये है हमारे इंडिया के नेबरिंग कंट्रीज़। एक बार फिर से नाम पढ़ लेते हैं। सबसे ऊपर जब हम नॉर्थ और वेस्ट की डायरेक्शन में देखें, दिशाओं में देखें, तो सबसे ऊपर अफ़गानिस्तान, उसके नीचे पाकिस्तान, फिर हम नॉर्थ की तरफ चले तो चाइना, उसके साथ नीचे नेपाल, फिर भूटान, ईस्टर्न साइड पर देखें तो म्यांमार और बांग्लादेश। ये तो थी हमारी ईस्टर्न बाउंड्रीज। अब सबसे नीचे यानी कि साउथ, साउथ में हमारा कौन सा कंट्री है जो नेबरिंग कंट्री हमारा माना जाता है? वो है हमारा श्रीलंका। तो ये तो थे हमारे पड़ोसी देश यानी कि इंडिया के साथ लगते जो देश हैं, ये तो थे नेबरिंग कंट्रीज़। अब आई हमारी स्टेट्स यानी कि हमारे राज्य। बहुत इम्पॉर्टेंट है ये जानना कि हमारे इंडिया में 28 स्टेट्स यानी 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरीज यानी 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अब इंडिया के मैप को ध्यान से देखें तो हम ऊपर से स्टेट्स को लोकेट करना शुरू करेंगे। आप अपने साथ भी एक मैप रखेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा। सबसे नॉर्थ से अगर हम शुरू करें, अभी हम सिर्फ स्टेट्स देखेंगे, हम यूनियन टेरिटरीज यानी केंद्र शासित जो प्रदेश हैं हमारे, उनको हम बाद में देखेंगे। जब भी राज्यों की बात होती है तो मुझे बहुत गर्व होता है ये बताते हुए कि मेरा और आपका राज्य यानी हिमाचल प्रदेश राज्यों में सबसे ऊपर आता है भारत के नक्शे में। उसके ऊपर लद्दाख और जम्मू कश्मीर भी दिख रहे होंगे आपको, लेकिन वो यूनियन टेरिटरीज हैं यानी केंद्र शासित प्रदेश हैं जो हम आगे करने वाले हैं। हिमाचल प्रदेश की कैपिटल शिमला, वो आप पहले से ही जानते हैं। और क्या आप जानते हैं हिमाचल का क्षेत्रफल कितना है? 55,673 वर्ग किलोमीटर यानी 55,673 स्क्वायर किलोमीटर्स। और हिमाचल में 12 ज़िले हैं, ये भी आप जानते हैं। हिमाचल एक पूर्ण राज्य कब बना था? 25 जनवरी 1971 यानी 25 जनवरी 1971। हिमाचल में 12 ज़िले हैं। तो ये तो थी हिमाचल की जानकारी, चलिए आगे बढ़ते हैं। हिमाचल के बिल्कुल नीचे 2 राज्य हैं, एक तरफ पंजाब जिसकी कैपिटल चंडीगढ़
और दूसरी तरफ उत्तराखंड जिसकी कैपिटल है देहरादून। और ध्यान से देखिए, पंजाब, हिमाचल और उत्तराखंड तीनों राज्यों को जो एक राज्य टच करता है वो है हरियाणा। हरियाणा की भी कैपिटल चंडीगढ़। तो ये चार स्टेट्स जो हैं आपस में कनेक्टेड हैं। उत्तराखंड के नीचे अगर हम ध्यान से देखें तो है उत्तर प्रदेश जिसकी कैपिटल लखनऊ। और उत्तर प्रदेश से जब हम ईस्ट की तरफ यानी पूर्व की साइड चले तो बिहार, उसकी कैपिटल पटना। जल्दी से इनको फिर से रिवाइज करते हैं। सबसे ऊपर हिमाचल प्रदेश, हिमाचल के नीचे पंजाब और उत्तराखंड, पंजाब और उत्तराखंड के बीच में हरियाणा, और हरियाणा से जब हम ईस्टर्न साइड जाते हैं तो उत्तर प्रदेश और उसी के साथ बिहार। अब इन राज्यों को पढ़ने के बाद थोड़ा सा नीचे चलते हैं। नीचे की ओर जब आप जाएंगे तो सबसे बड़ा राज्य आपको कौन सा दिखाई दे रहा है? जी हाँ, राजस्थान। यानी राजा जो है ना वो सबसे बड़े क्षेत्र में रहता है, तो राजा से याद रखना राजस्थान सबसे बड़ा है। और राजस्थान के साथ बीच में, बीच यानी कि मध्य, मध्य में कौन सा स्टेट है हमारा? मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। अब आपने याद रखना कि मध्य प्रदेश बिल्कुल बीच में है और बीच के बिल्कुल साथ में है हमारा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की कैपिटल रायपुर। और छत्तीसगढ़ के बिल्कुल साथ में है हमारा ओडिशा, जिसको हम पहले उड़ीसा कहते थे, अब उसका न्यू नेम क्या बन गया? ओडिशा। और ओडिशा की कैपिटल क्या है? भुवनेश्वर। आप साथ साथ में लिखते भी रहिए, ओडिशा की कैपिटल भुवनेश्वर। अब ओडिशा और छत्तीसगढ़ के बिल्कुल ऊपर यानी कि बिहार के नीचे और ओडिशा के ऊपर क्या है? झारखंड। और झारखंड की कैपिटल रांची। वेरी गुड। अब झारखंड के साथ में यानी कि झारखंड के ईस्ट वाली साइड पर जिसकी बाउंड्री बांग्लादेश के साथ भी लगती है वो है हमारा वेस्ट बंगाल, जिसे हिंदी हम क्या कहते हैं? हिंदी में हम पश्चिम बंगाल। और पश्चिम बंगाल की कैपिटल कौन सी है? कोलकाता। वेरी गुड। अब ये जो ग्रीन कलर का आप देख रहे हैं ना ऊपर तक, जो साथ में भूटान के साथ भी इसकी बाउंड्री लगती है, ये सारा वेस्ट बंगाल है जो ग्रीन कलर का आपको नज़र आ रहा है। और वेस्ट बंगाल के बिल्कुल ऊपर है सिक्किम, छोटा सा है स्टेट सिक्किम, और सिक्किम की कैपिटल है गैंगटॉक। नेपाल और भूटान के साथ और साथ ही चाइना के साथ इसकी बाउंड्री टच करती है। तो ये हुई हमारी स्टेट्स कौन कौन सी? राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, झारखंड, वेस्ट बंगाल और सिक्किम। लगभग इतना एरिया हम कवर कर चुके हैं। चलिए अब थोड़ा सा और नीचे की ओर चलते हैं। गांधी जी को तो हम सभी जानते हैं, और गांधी जी कहाँ पैदा हुए थे? गुजरात में। तो यहाँ रहा हमारा सबसे पूर्व में गुजरात। और महात्मा गांधी यानी एम से महात्मा और जी से गांधी, तो महाराष्ट्र, गुजरात के बिल्कुल नीचे महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र के बिल्कुल नीचे गोवा। तो इस तरह से इसे याद रख सकते हैं आप, गुजरात के महात्मा गांधी जी और उनके नीचे MG यानी महाराष्ट्र और गोवा। अब गोवा बहुत ही छोटी सी स्टेट है। देखिए, गुजरात की कैपिटल तो हमने की ही नहीं। गुजरात की कैपिटल गांधीनगर, महाराष्ट्र की कैपिटल मुंबई। आप बहुत सी मूवीज देखते हैं ना, तो बॉलीवुड कहाँ पर है? मुंबई में। याद रखिएगा, महाराष्ट्र की कैपिटल है वो। और साथ ही गोवा की कैपिटल पणजी। अब आ जाते हैं हम गोवा के नीचे जो स्टेट है यानी कि कर्नाटका, और कर्नाटका की कैपिटल बेंगलुरु, जिसे हम बैंगलोर भी कहते थे, बेंगलुरु। अब कर्नाटक के पूर्वी तरफ अगर हम देखें, कर्नाटक के ईस्टर्न साइड पर आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश की कैपिटल अमरावती। आंध्र प्रदेश की कैपिटल अमरावती। अब अमरावती के ऊपर और छत्तीसगढ़ के नीचे आया हमारा तेलंगाना, और तेलंगाना की कैपिटल हैदराबाद। वेरी गुड। अब हमने इतनी स्टेट्स कर लिए, अब चलते हैं कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के नीचे। सबसे सुंदर राज्य घूमने के लिए है ना, केरला। साउथ इंडिया लोग जाते हैं तो केरला ज़रूर घूमते हैं। और केरला की कैपिटल क्या है? छोटी सी कैपिटल है इसकी, तिरुवनंतपुरम। कितना बड़ा नाम है ना, लेकिन आपको जल्दी से याद हो जाएगा अगर आप दो तीन बार इसे पढ़ेंगे। केरला की कैपिटल तिरुवनंतपुरम।
और केरला के साथ बिल्कुल जो स्टेट लगता है वो है हमारा तमिलनाडु, और तमिलनाडु की कैपिटल चेन्नई। वेरी गुड, तमिलनाडु की कैपिटल चेन्नई, केरला की कैपिटल तिरुवनंतपुरम। अब इतनी सारी स्टेट्स को करने के बाद अभी भी हमारी 7 स्टेट्स रह गई हैं, और वो 7 कौन सी हैं, जिन्हें हम 7 सिस्टर्स के नाम से भी जानते हैं। तो चलिए जल्दी से हम 7 सिस्टर्स को भी कर लेते हैं। तो ये रही हमारी 7 सिस्टर स्टेट्स। ध्यान से देखिएगा, अरुणाचल प्रदेश सबसे ऊपर, उसकी राजधानी ईटानगर। अरुणाचल प्रदेश के नीचे येलो कलर का आसाम, आसाम की राजधानी डिसपुर। आसाम के नीचे मेघालय, ब्राउन कलर का जो आपको दिख रहा है, मेघालय की कैपिटल शिलोंग। उसके बाद आ गया हमारा नागालैंड, और नागालैंड की कैपिटल कोहिमा। नागालैंड के ठीक नीचे जो ग्रीन कलर में आप देख रहे हैं वो है मणिपुर, और मणिपुर की कैपिटल इम्फाल। मणिपुर की कैपिटल इम्फाल। मणिपुर के ठीक नीचे मिजोरम, और मिजोरम की कैपिटल है आइजोल। मिजोरम के ठीक साथ में, यानी बांग्लादेश के साथ जिसकी बाउंड्री लगती है, वो है हमारा त्रिपुरा, और त्रिपुरा की कैपिटल है अगरतला। त्रिपुरा की कैपिटल अगरतला। तो ये थी हमारी 7 सिस्टर्स, और इसी के साथ हमारी स्टेट्स यानी हमारे राज्य तो पूरे हुए, 28 राज्य हम कर चुके हैं। अब रह गई हमारी यूनियन टेरिटरीज यानी हमारे केंद्र शासित प्रदेश। तो चलिए पूरे इंडिया में 8 हमारे केंद्र शासित जो प्रदेश हैं उन्हें भी देख लेते हैं। उत्तर में सबसे पहले आता है लद्दाख, आप देख सकते हैं ग्रीन कलर का, जिसकी राजधानी है लेह। साथ ही में है जम्मू कश्मीर, जिसकी राजधानी श्रीनगर। बहुत इंपॉर्टेंट है ये जानना कि पहले ये जम्मू कश्मीर जो है एक राज्य था और लद्दाख उसका छोटा सा एक पार्ट था। 31 अक्टूबर 2019 के बाद जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश माने गए हैं। उसके थोड़ा सा नीचे आप आ जाएं तो आप देख सकते हैं चंडीगढ़, और चंडीगढ़ खुद में एक केंद्र शासित प्रदेश भी है, और इसकी खास चीज़ क्या है कि ये पंजाब और हरियाणा दोनों की ही राजधानी भी है। अब आप ध्यान से देखिए हरियाणा और उत्तर प्रदेश को, और आप पाएंगे कि हरियाणा और उत्तर प्रदेश की बिल्कुल बाउंड्री पर आता है दिल्ली, और दिल्ली की खास चीज़ तो आप जानते ही हैं। जी हाँ, भारत की राजधानी क्या है, नई दिल्ली। सो न्यू दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया। ये है हमारी 4th केंद्र शासित प्रदेश, 4th केंद्र शासित प्रदेश कर लिया हमने। अब आ जाते हैं हम साउथ इंडिया की तरफ। साउथ इंडिया में जब आप देखेंगे तो सबसे ऊपर देखिए दादर एंड नगर हवेली और दमन एंड दीव। पहले ये अलग अलग थी, अब हम इसे एक ही मानते हैं। तो ये भी आपका एक केंद्र शासित प्रदेश भी है, और इसकी कैपिटल दमन है। उसके नीचे अगर आप आ जाएं तो आप देखेंगे लक्षद्वीप, जो कि द्वीप हैं। लक्षद्वीप आपने नाम भी सुना होगा, वो द्वीप इसीलिए हैं क्योंकि चारों तरफ से पानी से घिरे हुए हैं। उसकी कैपिटल क्या है, कवरत्ती। साथ ही देखिए पुडुचेरी, जिसको हम पौंडीचेरी भी कहते थे, और उसकी कैपिटल अभी भी पौंडीचेरी ही मानी जाती है। उसके साथ बिल्कुल एक्सट्रीम ईस्ट में यानी बिल्कुल पूर्व की तरफ अगर आप देखें तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, यानी अंडमान निकोबार आइलैंड्स जो हैं उसे द्वीप क्यों कहा गया है, क्योंकि देख सकते हैं आप चारों तरफ पानी से घिरे हुए हैं, और आप तो जानते ही हैं चारों तरफ जो धरती का टुकड़ा पानी से घिरा रहता है उसे हम द्वीप कहते हैं। और अंडमान निकोबार आइलैंड्स की कैपिटल क्या है, पोर्ट ब्लेयर। तो ये थे हमारे केंद्र शासित प्रदेश, और कितना ईजी है इनको याद रखना। 4 केंद्र शासित प्रदेश हमारे साउथ इंडिया में हैं, और 3 जो हैं वो हमारे नॉर्थ इंडिया में हैं। तो इसी तरह हमने स्टेट्स और कैपिटल्स भी लर्न कर ली, और साथ ही साथ हमने केंद्र शासित प्रदेश भी याद कर लिए, और उसके अलावा हमने और क्या याद किया आज की वीडियो में, भारत के पड़ोसी देश। तो आई होप आपको इंडिया का पूरा मैप अच्छे से याद हो गया होगा, और आप खाली मैप पर ईजिली इसको फिल कर पाओगे। तो चलिए जल्दी मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो के साथ कुछ नई चीज़ लेकर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।